यूपी से एमपी आ रही 14 पेटी अवैध नशीली कफ सिरप पकड़ाई, 3 तस्कर गिरफ्तार। रीवा जिले के हनमना में पुलिस को नशा कारोबारियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि हनमना थाना प्रभारी यूपी से अवैध नशीली कफ सिरप एमपी आ रही थी। आपको बता दें कि इस नशीली कफ सिरप पर हनमना थाना प्रभारी को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि खाकी कलर की तवेरा वाहन में नशीली कफ सिरप आ रही है, जिस पर हनमना थाना प्रभारी ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में ये बात डाली और हाईवे पेट्रोलिंग पर टीम को रवाना कर दिया। वहीं जैसे ही तवेरा वाहन मसूरिया हाईवे बाईपास ब्रिज के पास पहुंचा, तत्काल घेराबंदी कर पुलिस के द्वारा 3 आरोपियों को धर दबोचा गया। वहीं तलाशी के दौरान वाहन में 14 पेटी नशीली कफ सिरप भी बरामद हुई है, जिस पर हनमना पुलिस के द्वारा NDPC एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपियों में से 2 के खिलाफ पूर्व में कई मामले अन्य थानों में पंजीबद्ध हैं। पुलिस के द्वारा ऐसे आरोपियों को जिला बदर करने की कार्यवाही भी की जा रही है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में शैल यादव थाना प्रभारी हनुमान से प्राप्त जानकारी के अंश। मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रवेरा, एक खाकी रंग की ट्रवेरा का गाड़ी है, उससे यूपी तरफ से अवैध कफ सिरप की खेप आ रही है। हमने मुखबिर सूचना को श्रीमान SP साहब, SDOP साहब एवं एडिशनल SP साहब को अवगत कराया और उनसे निर्देश प्राप्त करके हमने हाईवे पे वाहन चेकिंग लगाई, जिसमें उस प्रकार की कार हमको आती दिखी और जो पुलिस को देख करके चकमा दे के भागने का प्रयास किया, जिसे बॉर्डर से हम लोग पीछा करके और मसूरिया बाईपास तक पकड़ लिए। और उस गाड़ी से हमें 14 पेटी मैक्स कप कफ सिरप मिली है, कुल 1600 CCs हैं। और हमने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला मोहम्मद शकील जो रायपुर करचुलियान का रहने वाला है, दूसरा मोहम्मद इस्लाम जो कि थाना शमान रीवा का रहने वाला है, और तीसरा आरोपी मोहम्मद शाहिद है, ये सतना नागौद का रहने वाला है। ये यूपी से बनारस तरफ से बनारस से ये कफ सिरप की खेप रीवा ले जा रहे थे, वहाँ पे अवैध रूप से नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए, सप्लाई के लिए। इनके खिलाफ हमने 8/21/22 NDPS एवं 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और उनको न्यायालय हमने आज पेश किया है, जहाँ से जेल वारंट प्राप्त होने पे हम उनको जेल दाखिल करेंगे। और साथ ही साथ हमने ये निवासी, इनके विरुद्ध रायपुर करचुलियान थाने में अब तक कुल 16 प्रकरण पंजीबद्ध हैं और हनमना में जो कल हुआ है इसको लेकर कुल 17 मामले इनके खिलाफ हो गए हैं। और अब्दुल सलाम जो है इस्लाम है, इसके विरुद्ध थाना विश्वविद्यालय, थाना सिटी कोटवाली और थाना समान में कुल मिलाकर के 6 अपराध हैं और 1 अपराध हमने कायम किया है। ये शातिर अपराधी हैं और इनके विरुद्ध हम और भी आगे जिला बदर और NSE की कार्रवाई करने वाले हैं।